मैं प्रभु यीशु मसीह के पावन जलाल नाम से सबको दिस मॉर्निंग विद जीसस में वेलकम कर रहा हूँ। एंड आई होप कि आप सब भले चंगे हैं और परमेश्वर की महिमा में बढ़ रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जेंगो भाई एंड अक्षय भाई फॉर लीडिंग अस सो फार सो वंडरफुली एंड फॉर द वंडरफुल सॉन्ग। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर आप सबका सहाय हो क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। आमेन 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 आमेन। मत्ती उसका अध्याय 21 वचन 28 से 32 पढ़ेंगे हम। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28-32। तुम क्या समझते हो? किस मनुष्य के दो पुत्र थे? उन्होंने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज ताक की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल दिया और चला गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चुंगी लेने वाला और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर चुंगी लेने वालों ने और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। आमेन। थैंक यू बेटा। ग्लोरी टू जीसस। आई होप कि सपने सुना या फिर अपने बाइबल पकड़ के लोग पढ़े। आज सुबह आप सब के लिए मेरा एक सवाल है। आज के डेट में आप में से कितने लोग हैं जिनका काम पेंडिंग है? आपको कुछ कुछ करना चाहिए मगर अभी भी वो काम पेंडिंग है और ये साल अभी खत्म होने को आ रहा है। होप यू आर देयर कि लाइक आपको जो करना था या फिर कोई टास्क है या फिर आपका पर्सनल कोई लाइक टास्क है या फिर आपके लाइक करियर हो गया, प्रोफेशन हो गया या स्पिरिचुअलिटी में, आपके कमिटमेंट में यू वॉन्टेड टू डू समथिंग बट टिल नाउ यू हैव नॉट डन येट। लाइक कितने लोग हैं जो लाइक वो पेंडिंग है, लाइक हु डू यू हैव पेंडिंग वर्क्स? ओके, प्रेज द लॉर्ड, सम ऑफ यू हैव। हालेलुया। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट आंसर। परमेश्वर का वचन बहुत ही एडिफिकेशन के लिए, लाइक हमारे पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी एडिफिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आज एक विषय हम सीखेंगे कि एक आत्मिक व्यक्ति काम पेंडिंग नहीं रखता है। अ स्पिरिचुअल पर्सन Do not keep pending his works. अपने काम को pending नहीं रखते हैं। Okay, उसी के बारे में ही हम लोग देखेंगे। English में एक word है, अगर you have come across and I'm sure कि आप इस word को जाने होंगे, सुने होंगे या फिर इसके बारे में आप लोगों को भी बताए होंगे। ये word है procrastination। Procrastination कितने लोगों को मालूम है प्रोकेस्टिनेशन क्या है? हु कैन से? एनीवन? नो वन? कितने लोग ये आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं प्रोकेस्टिनेशन जो वर्ड है, पहली बार सुन रहे हैं?
ओके, कुछ लोग मैसेज में कुछ लिख रहे हैं। पोस्टपोन करना एंड नॉट डूइंग द जॉब बट डूइंग लेटर। ओके, आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम है ये वर्ड सुनना। प्रोकेस्टिनेशन का मीनिंग है यू वॉन्ट टू डू इट बट यू आर नॉट डूइंग इट, यू ऑलवेज पोस्टपोन इट। लाइक स्वागत भाई ने लिखा है कि पोस्टपोन करना, इनफैक्ट पोस्टपोन करते रहना। डीप डाउन इनसाइड यू, लाइक आपके अंदर पूरा आप कन्विंस है कि आप ये करने वाले हैं, मगर आप टालते रहते हैं, कल कर दूंगा कल कर दूंगा। ज्यादातर लाइक डोंट टेक मी रॉन्ग, ज्यादातर ये लड़कों में दिखाया जाता है, बॉयज मेल पर्सन ज्यादातर ये दिखाई देता है। इसलिए एक एक जोक भी है कि जब कोई लड़का कहता है कि मैं ये काम करूंगा तो उसको हर 6 महीने में याद दिलाने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ जोक एक्चुअली। अगर मैंने एक बार बोल दिया कि मैं करूंगा तो हर 6 महीने में मुझे याद मत दिलाना। विद मेनली लाइक इट इज सीन अमंग बॉयज। हालेलुया। आज हमने एक वचन में पढ़ा कि एक पिता के अपने बेटों से बोल रहा है कि जाओ और खेत में काम करो। पहला वाला बोलता है कि नहीं जाऊंगा, मगर बाद में वो मन फिराता है और जाता है। दूसरा वाला बोलता है मैं जाऊंगा, मगर कभी नहीं जाता है। मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ, जो दूसरा वाला है उसने कहा कि मैं जाऊंगा बोल के, उसने कभी नहीं कहा कि और लाइक वो अपने पिता को झूठ भी नहीं बोला, यू नो कि मैं एक्चुअली नहीं जाऊंगा बोल के। एक्चुअली वो जाना चाहता है, मगर जो प्रॉब्लम है प्रोकेस्टिनेशन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं चाहता, वो जाना चाहता है, वो जाना चाहता है, मगर अभी तक नहीं गया है और खेत पक चुके हैं और उसका जो हसिया भी लगाया गया है, हार्वेस्ट भी हो चुका है। ग्लोरी टू जीसस। दे फील, उनको लगता है कि वो जरूर करेंगे, मगर अभी तक उन्होंने नहीं किया है और समय बहुत हो भी गया है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, नेवर, ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं। दे फील हर्ट क्योंकि रियलिटी में वो करना चाहते हैं, वो श्योर करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वचन में हम ये सीखते हैं कि डिलेड ऑबीडियंस इज डिसऑबीडियंस। डिलेड ऑबीडियंस इज डिसऑबीडियंस। जब हम किसी विषय को देरी से करते हैं तो वो अनाज्ञाकारिता के समान है। इनफैक्ट इन सेक्युलर वर्ल्ड एक और विषय है जस्टिस के ऊपर, न्याय के ऊपर। डिलेड जस्टिस इज इनजस्टिस। हालेलुया। अगर किसी को न्याय देरी से मिल रहा है तो वो अन्याय के समान है। हालेलुया। सो आज का विषय आप याद रखेंगे, डिलेड ऑबीडियंस इज डिसऑबीडियंस। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपने एक्शन जो करने वाले हैं या हम लोगों का ऑबीडियंस जो हम आज्ञाकारी होने वाले हैं, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइमिंग ऑफ आर एक्शन एंड ऑबीडियंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर हम सबसे बातें करें। महात्मा गांधी जी ने कहा है, कल करो सो आज और आज करो सो अभी।
अगर तुम्हें कोई विषय कल करना है तो उसको आज करो, अगर आज करना है तो अभी करो। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है जब महात्मा गांधी जी ने जो विषय कहा है ये संभव है, ये संभव, इट इज पॉसिबल। और जब हम ये करते हैं डीप डाउन हमारे अंदर एक पीस भी आता है, एक सेल्फ मोटिवेशन आता है, एक पॉजिटिव वाइब आता है हमारे मन में। व्हेन यू डू समथिंग बिफोर 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 द व्हाट 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 कैन आई से, जब आप एक विषय को समय से पहले खत्म कर लेते हो, दैट्स अनदर लाइफ। मगर ज्यादातर लोग और परमेश्वर के राज्य में ये एक सच बात है कि लोग पेंडिंग रहते हैं कामों। कुछ लोगों को परमेश्वर ने कुछ कहा है करने के लिए, वो करेंगे भी मगर आज तक नहीं किए हैं। डीप डाउन उनके हार्ट में श्योर है कि वो जरूर करेंगे। अगर उनको अभी मैं बोलूंगा कि आपने डिसोबे किया है तो मुझे बुरा मान जाएंगे, वो बोलेंगे तुम नहीं जानते मैं परमेश्वर कितना प्रेम करता हूं। बट मैं क्या करूं, वचन कहता है कि अगर तुम सही टाइमिंग में आज्ञा पालन नहीं करते हो तो आप आज्ञा का पालन नहीं करते हो। अभी हमने देखा कि वो पिता जाए कहता है कि खेत में काम कर। एंड वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि खेत में काम करने का टाइमिंग होता है, सीजन होता है। एक सीजन हल चलाने का होता है, एक सीजन बीज बोने का होता है, फिर पानी देने का होता है, फिर उसको देखना होता है कहीं कीड़े नहीं लग रहे हो, कहीं क्या नहीं हो रहा हो, कोई जानवर आके उसको खराब नहीं कर रहा हो। हर एक विषय का सीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी जाके खेती कर लें, ऐसा नहीं होता है। परफेक्टली वचन में इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि बोले खेत में काम जाके करो। पहला कहता है नहीं, फिर रिपेंट करके जाके वो करता है। दूसरा बोलता है मैं जाऊंगा मगर नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि वो अपने पिता का अनाज्ञाकारी होना चाहता है, और उसका प्रॉब्लम है प्रोकेस्टिनेशन। और दुख की बात है कि वो सोचते रह गया और वो खत्म भी हो गया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एक दूसरा विषय है जिसने मेरे जीवन को एक बहुत बड़ा इट्स लाइक ए स्लैप ऑन मी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने चांटा खाया है। कुछ विषयों में हम बहुत धुरंधर होते हैं, कुछ विषयों के ज्ञान में। एक टॉपिक होता है, एक काम होता है, वो कैसे होता है, कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में आप एक फराटेदार भाषण दे सकते हैं। आपके द्वारा लोग मोटिवेट हो जाएंगे। हालेलुया। बट आपके व्यक्तिगत जीवन में वो काम आपके द्वारा नहीं होता है। आप अगर कोई टॉपिक में प्रीचिंग करेंगे तो शायद पूरा कलीसिया हिल जाए, मगर आपके व्यक्तिगत जीवन में वो विषय को होता हुआ आप नहीं देखते हैं। एंड यू ऑलवेज स्ट्रगल, और कभी कभी आपको गिल्टी भी फील लगता है कि मैं लोगों को बताता हूं मेरे जीवन में नहीं। यीशु मसीह के दिनों में ऐसे लोगों को फरीसी कहा जाता था, हिपोक्रिट्स। यीशु मसीह हिपोक्रिट्स कहता था, कपटी कपटी लोग। साइंटिफिकली ये मेंटल डिसऑर्डर है, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट होता है। आप सोच रहे होंगे आज सुबह भैया क्या क्या बोल रहे हैं, बोल के मगर मैं जो आपको बोल रहा हूं इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी पीपल आर सफरिंग विद इट। जब आप किसी विषय में बहुत
अच्छा प्रीचिंग करते कर सकते हैं या फिर किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, और वो विषय खुद आपके जीवन में होता हो आप नहीं देखते हो, वो एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इट्स अ मेंटल डिजॉर्डर। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। लाइक आज के सुबह में प्रोकेस्टिनेशन के बारे में बोलूं, और खुद मेरे लाइफ में पेंडिंग टास्क हो, हालेलुया, ये एक मेंटल डिजॉर्डर है। वी नीड डिलीवरेंस फ्रॉम इट, फ्रॉम एनी प्रोकेस्टिनेशन एंड फ्रॉम एनी मेंटल डिजॉर्डर। वी नीड डिलीवरेंस, नहीं तो शायद आज हम कहीं का कहीं होते। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। फिर क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हम सोचते हैं कि ब्रेक थ्रू प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, मत्ती उसका 5 अध्याय वचन 37, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। यस, लेट योर यस बी यस एंड नो बी नो। इससे ज्यादा जो भी है वो पाप है, वो पाप से होता है। आपका हाँ हाँ हो और ना ना हो। आप में से 99% लोगों को ये मालूम नहीं होगा, मगर ये विषय हमारे GFM मिनिस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हालेलुया। जब हमारे मिनिस्ट्री का नाम GFM भी नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स जो देखे जाते हैं कि आप हाँ बोल देते हो मगर टाइम में आप नहीं रहते हो, आप हाँ बोलते हो 9 बजाऊंगा मगर आप 10 बजाते हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अभी लाइक 99% आप में से लाइक क्योंकि उस समय नहीं थे, आपको ये विश्वास नहीं लेगा, क्योंकि आप तो हमेशा देखें कि सब कुछ टाइम में होता है GFM में। प्रेज बी टू गॉड, जिसके अनुग्रह से उस फेज से हम बाहर आ गए। हालेलुया। और उस फेज से बाहर आने के लिए कुछ स्टेप्स भी हमें लेने पड़े, पवित्र आत्मा ने जैसे सिखाया। लेट योर यस बी यस एंड नो बी नो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आपने एक दृष्टांत सुना होगा कभी ना कभी कि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में लोग अपने चेलों को बताता है, लोगों को बताता है। ईश्वर का राज्य ऐसा है कि एक स्वामी अपने कुछ दासों को कुछ प्रॉपर्टी डिवाइड करके उनको कुछ दायित्व देके और दूर देश में जाता है, और जब वो आएगा और अगर देखेगा कि जिसको उसने दायित्व दिया है वो उस काम को ठीक से नहीं करके आराम से पार्टी मना रहा है, पी रहा है, खा रहा है, लोगों के ऊपर वो सताव कर रहा है, तो वो उसके ऊपर क्या करेगा? ये दृष्टांत आपने पढ़ा होगा। यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ऐसा होता है। एक दायित्व दिया जाता है, एक कमीशन दिया जाता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया जाता है, हम लोग यस भी करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम बहुत शांत हो जाते हैं उस विषय में। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मगर आज से वो विषय नहीं होगा। आमेन। I speak deliverance in the name of Jesus. Amen. All spirit of procrastination, get out in the name of Jesus. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Mahatma Gandhi, जो शायद born again नहीं थे, मगर उन्होंने Bible में से इसको extract कर लिया कि कल करो सो आज, आज करो सो अभी। Glory to Jesus. We have to be in advance. Amen. We have to be in advance.
लिब्रा का हाथ सेक के है, ग्लोरी 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 ग्लोरी। यू फाइंड ए सक्सेसफुल पर्सन, आप एक एक सफल व्यक्ति को पकड़िए जो मिलियनेयर है, बिलियनेयर है। आप एक विषय उनके पास पाएंगे, एक छोटा सा डायरी या फिर मोबाइल में एक ऐप होगा जहां पे टू डू लिस्ट का और डेली चेक चेकआउट लाइक चेक लिस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं। ये महीने, ये साल कौन सा काम करना है, कब करना है, कौन सा काम छूट गया अभी तक नहीं हुआ है, ये वाला एक डायरी या फिर एक ऐप उनके मोबाइल में आप जरूर पाएंगे। अगर संसार के लोग अपने सांसारिक विषय में इतना कमिटेड है, वी आर द एम्बेसडर ऑफ हेवन, हम लोग मसीह के एम्बेसडर हैं, एक बहुत बड़ा दायित्व तो हमारे ऊपर है। आमेन। हमने सुसमाचार फैलाने का जिम्मेदारी उठाया है, हमने यीशु मसीह को हां कहा है, हमने चेला बनाने का जिम्मेदारी को लिया है और हां कहा है। हालेलुया। हम दूसरे कई सारे टास्क को हां कहा है। लिब्रा का हां से दे, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हेन यू कीप ऑन लाइक कीपिंग इट पेंडिंग। Glory to Jesus. एक लास्ट वचन पढ़ें, उसके बाद मैं खत्म करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वहां के एक पोर्शन को मैं लूंगा, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव, इंग्लिश में यही लिखा है, यू नो। अगर किसी के पास इंग्लिश है थोड़ा पढ़ लो, इब्रानियों की उसका 4:12, हिब्रू चैप्टर 4:12। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Thank you, भाई। आपके वर्सन में powerful लिखा है। Actual आप KJV NKJV में ज्यादातर जाएंगे, उसका जो meaning है वो ये है, For the word of God is living and active. Hallelujah. Glory to Jesus. Word of God is not lazy, it is active, powerful and living. Glory to Jesus. You can like आप compare कर सकते हैं word of God को एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ताजेपन में रहता है और अपने काम को सही समय में करता है, इनफैक्ट बिफोर टाइम करता है और पावरफुली करता है। Hallelujah. And you know, वचन कहता है कि हम वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म पाए हैं। We have been born again from the word of God. We are born of the word. पहला पत्रस 1:23 में लिखा गया है। Glory to Jesus. तो अगर वचन living and active and powerful है, तो वचन का product भी जो हम लोग हैं, The same nature हमें दिखना चाहिए, right? Hallelujah. We have been born by the word. हमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Glory to Jesus. Hallelujah. Glory, glory. आज से सारे laziness को reject करें, सारे procrastination को reject करें। No pending work for a spiritual person. अगर आपने हां कहा है तो हां कहा है, अगर ना कहा है तो ना कहा है। नो इन बिटवीन द लाइंस। खराब भावे बोलकर हां कह देवाटा को तो बहुत बड़ डेंजर टे आमर आमर कल्चर रे छे। नो लेट आर यस बी यस एंड नो बी नो।
Let's say yes when we mean it. Let's say no when we mean it. Glory to Jesus. Hallelujah. I guarantee you, आप एक साल में बहुत ऊंचाई में उठने वाले हो if you have this lifestyle. Amen. Because God has blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है. Who is stopping you? Devil? No. It is the procrastination that is stopping you. Hallelujah. यीशु मसीह बोलता है कि तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं. तुमसे पहले. इसका मतलब Why you are becoming late? तुम विलंब क्यों कर रहे हो? Hallelujah. No procrastination, my friends. No procrastination. No mental disorder. Like बातों में बड़े बड़े बात कर दें और वही वो हमारे जीवन में दिखाई ना दे. It's not a spiritual life. For the kingdom of God is not about talk. It's about power manifestation. It's about work. Hallelujah. Glory to Jesus. No pending work. Amen. God bless you, everyone.